जेलीफिश। एशिया में इन्हें सैकड़ों बरसों से खाया जा रहा है। DW रिपोर्टर डियाना पिनियेरोस जानेंगी सुपर हेवी कि क्या जेलीफिश नया सुपर फूड बन सकती हैं? For many, jellyfish are कई लोग जेलीफिश से बहुत डरते हैं। कुछ जेलीफिश जहरीली होती हैं, कुछ चोट देने वाली होती हैं। मैंने इन्हें कई बार देखा है लेकिन कभी चखा नहीं है। आज मैं इटली के नेपल्स आई हूँ और पहली बार जेलीफिश का स्वाद चखने वाली हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। इटली के दो सितारा शेफ जेनारो एस्पोसितो जेली फिश से डिश बनाने वाले पश्चिमी दुनिया के एक बड़े शेफ हैं। उनका रेस्तरां ला तोर्रे देल साराचिनो नेपल्स से 40 किलोमीटर दूर वीको एकेंसे में है। अपने व्यंजनों में जेलीफिश शामिल करने का ख्याल कहां से आया? I love to discover new मुझे नई चीजें खोजना और नई सामग्रियों को चखना पसंद है। जेनारो जेलीफिश से बनने वाले दो व्यंजन डियाना के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले के लिए उन्होंने जेलीफिश में मसाले लगा दिए हैं। Now our jellyfish अब जेलीफिश सघन हो गई है। आप इसे छू कर देख सकती हैं। ये थोड़ी सी सख्त है। इसमें जेलीफिश को कच्चा ही डाला जाएगा। इसे काट लिया गया है। अब इसे ठंडे खीरे के सूप और भैंस के कफीर सॉस में डालकर रास्पबेरी और स्प्रिलूना के साथ परोसा जाएगा। आपको लगता है कि जेलीफिश एक सुपर फूड है? For sure, सुपर फूड because बिल्कुल जेलीफिश एक सुपर फूड है क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है। रिच ऑफ मिनरल रिच ऑफ इसमें मिनरल हैं, अहम पोषक तत्व हैं और इसमें खूब आयोडीन है। इज रिच ऑफ योडियम। दूसरा व्यंजन मसली हुई कलियों और बेसिल के सॉस से तैयार किया जाएगा। इसमें कच्ची जेलीफिश के साथ बफेलो मोज़रेला और कुछ सब्जियां डाली जाएंगी। पता नहीं कि मैं ये खा पाऊंगी या नहीं। मुझे जेलीफिश के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। यहाँ से पूर्व में 280 किलोमीटर दूर जिनोजा के तट के पास इटली की बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंटोनेला लियो ने यूरोपीय संघ के गोजेली रिसर्च प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही हैं। वो एक दशक से जेलीफिश पर काम कर रही हैं। Oh wow, this is the first मैं पहली बार किसी जेलीफिश के इतना करीब आई हूँ। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? Oh, man. ये बहुत भारी है। हम जेलीफिश क्यों खाएं? Because they are very interesting animals, क्योंकि ये बेहद दिलचस्प हैं। इनमें प्रोटीन और कॉलाजन जैसी ढेर सारी अहम चीजें होती हैं। ये विलुप्त हो रही अन्य मछलियों से उलट लंबे समय तक हमारे समुद्री खाने की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। जेलीफिश को खाने लायक बनाने के लिए उनका जहर निकालना होता है। अभी बैरल और भूमध्य सागर की जेलीफिश को संभावित खाद्य स्रोत के तौर पर परखा जा रहा है। Do you consider that jellyfish आपको लगता है कि जेलीफिश भविष्य का भोजन हो सकती हैं? ये इकलौती तो नहीं पर भविष्य के भोजन में से एक हो सकती हैं क्योंकि हमें ज्यादा खाना और ज्यादा संसाधन चाहिए। यहाँ से और 140 किलोमीटर दूर अपूलिया के लेचे में गो जेली लैब स्थित है। यहाँ शोधकर्ताओं ने जेलीफिश का जहर निकालने और इन्हें सहेजने का तरीका निकाल लिया है। लिक्विड नाइट्रोजन से जमाने से ये लंबे समय तक बनी रहती हैं। जेलीफिश में 95-97% पानी होता है और अब इसे खाने की बारी। ये थोड़ी नमकीन है salty. और हाँ, इसका स्वाद मछली जैसा है। It tastes like fish. डियाना ने जेलीफिश को एक्वेरियम में तैरते हुए भी देखा। यूरोप के आसपास पाई जाने वाली जेलीफिश को अभी खाद्य पदार्थ का दर्जा नहीं मिला है लेकिन एशिया से आने वाली जेलीफिश खाई जा सकती हैं। दो बातें सीखी। पहली, मैंने कभी जेलीफिश खाने की नहीं सोची थी और दूसरी, आज मैंने जेलीफिश के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैं सी फूड की शौकीन नहीं हूँ लेकिन जेलीफिश के व्यंजन हैरान करते हैं। हो सकता है भविष्य में जेलीफिश सिर्फ तैराकों को डराने के लिए ही नहीं होंगी, इस प्रोटीन युक्त समुद्री प्रजाति में एक नया और टिकाऊ भोजन बनने की क्षमता है।